हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेदांतुस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th, जहां पे हम एनसीईआरटी की सभी एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करते हैं ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म। ये क्वेश्चन है आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर व्हिच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 2.2। ये क्वेश्चन कहता है, लेट्स रीड इट। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं के प्लस के, इसका क्या मतलब है मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। कुछ कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, जैसे अगर इस तरीके से लिखा होता है तो इसका मतलब है कि के प्लस से के बनने के लिए इसको कितना वोल्टेज देना पड़ रहा है, तो वो है आपका -2.93 वोल्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसकी रिड्यूसिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है ये, इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल, क्योंकि इसे रिड्यूस हो रहा है ना। यहाँ पे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पे कितनी हो गई पोटासियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो हो गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कौन सा, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। कौन सा पोटेंशियल होता है ये बच्चा, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब समझिए, अब यहाँ पे भी सेम हो रहा है, Ag प्लस से Ag में जब जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव से अब जीरो की स्टेट में जा रहे हो, तो आपको पॉजिटिव 0.8 वोल्ट देना पड़ रहा है। अब Hg 2 प्लस से जब Hg में फिर से जीरो, क्या हो रहा है इसका, रिडक्शन। तो सारे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, मेरे को लग रहा है ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। यहाँ पे Mg 2 प्लस से Mg पे जा रहे हो तो भी रिडक्शन पोटेंशियल है। Cr 3 प्लस से Cr 0 की स्टेट में जा रहे हो, फिर दोबारा से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। कैसे डिसाइड किया कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि यहां से यहां पे डिसाइड करते हैं, प्लस से क्या हो रहा है, जीरो पे जा रहा है। आप देखो हर बार प्लस 3 से जीरो की स्टेट में, मतलब रिड्यूस हुआ तो रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है। अब आपसे पूछा है कि अरेंज करना, अब मुझे ये पता चल गया कि रिडक्शन पोटेंशियल सब एलिमेंट्स के दे रखे हैं। आपको पूछा है कि इन मेटल्स को अरेंज करना है इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का क्या मतलब होता है कि जो खुद जो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब आप एक चीज समझिए कि द लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल हायर इज द रिड्यूसिंग पावर। ये समझ आया लाइन, कि जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल है, जितना नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर। क्या है, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ही हायर होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर। ये क्या है, पोटेंशियल, ये क्या है, पोटेंशियल, और ये है उसकी रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, समझ गए। तो अब सबसे लोअर किसका दिख रहा है आपको, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है, सबसे ज्यादा नेगेटिव तो मुझे पोटेशियम दिख रहा है। पोटेशियम का सबसे ज्यादा नेगेटिव के प्लस के का सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब इसका सबसे कम पोटेंशियल है। ये मैं अब पोटेंशियल का ऑर्डर बता रही हूँ, सबसे कम इसका है। उसके बाद किसका दिखाई दे रहा है, सबसे उससे ज्यादा है Mg2+ का, Mg2+ Mg का उससे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है। उससे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है आपका Chromium-3 का, किसका, Chromium-3+ क्रोमियम का। उससे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है आपका इसका, किसका, Hg2+ और Hg का। उससे ज्यादा रिडक्शन Hg से ज्यादा किसका, Hg से ज्यादा है आपका Ag+, यहाँ पे लिख देती हूँ Ag+ और Ag का रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव होता जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैंने क्या बोला, जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल है उतनी ही ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर है। तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर एकदम उल्टा हो जाएगा, कि अगर जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग होगा, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग है आपका पोटेशियम, उससे ज्यादा रिड्यूसिंग है आपका मैग्नीशियम, फिर क्रोमियम, फिर मर्करी, फिर एजी। मैग्नीशियम, फिर क्रोमियम, फिर मर्करी एंड फिर इज योर एजी। ठीक है, उल्टा ऑर्डर है एकदम, जिसका जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल है उसका उतना ही ज्यादा रिड्यूसिंग पावर है, इनवर्स रिलेशनशिप है।
जितना ज्यादा ये सबसे ज्यादा नेगेटिव इसका रिडक्शन पोटेंशियल है तो वो उतना ही ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर होगी। यही देखना है आपको, क्या देखना है, जितना नेगेटिव होगा ये उतनी अच्छी उसकी पावर होने वाली, रिड्यूसिंग पावर। समझ गए? आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।